हेलो गाइज, मैं हूं अजय गुप्ता एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि काफ़ी दिन से मैं बीमार चल रहा हूं, तो बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया जिससे मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि कैसे गैसों को यूज़ करना है, उसी को मैं आज कंटिन्यू करूँगा और मैं आपको बताऊँगा आज चीज़ कैसे यूज़ करना है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कैमल का है आर्टिस्ट गैसो, इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई कैनवास पे पेंटिंग बना ली है, उसको दोबारा रीयूज करना है उस कैनवास बोर्ड को, तो आप एक या दो कोट उसमें अप्लाई कीजिए पेंटिंग पे, उसके बाद आप न्यू पेंटिंग के तरह आपका बोर्ड जो है तैयार हो जाएगा। आज तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको ये गैसो लेना है और जिसके अंदर के जो ये सील है इसे आराम से खोल लेना है क्योंकि ये बिल्कुल पैक्ड रहता है और ये काफ़ी गाढ़ा है। तो आपको अगर बड़ा बोर्ड कवर करना है तो आपको एक फ्लैट बड़ा ब्रश लेना पड़ेगा जिससे आप आसानी जल्दी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बोर्ड को ज़मीन पर फ्लैट लेटा देना है, उसके बाद आपको उसमें एक पानी की लेयर चढ़ानी है। वाटर से आप उसमें अगर लेयर चढ़ाएंगे तो ये आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि जो गैसो रहता है वो काफ़ी गाढ़ा रहता है। गैसो आप उसके बाद लगाइए तो उसमें सही रहेगा क्योंकि थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि गाढ़ा होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें कलर लगे गैसो लगेगा और आपको दिक्कत भी होगी करने में। तो आप पानी की एक उसमें लेयर अच्छे से लगा लीजिए पूरे में। उसके बाद आप गैसो लीजिए, गैसो को सही से खोलिए और उसकी जब सील जो है उसको खोलने के बाद आप देखेंगे कि कितना गाढ़ा है अंदर गैसो। और हल्के से एक बड़ा फ्लैट ब्रश लीजिए और उसको आराम से हल्का सा थोड़ा सा लीजिए और एक कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए। आपको ये ध्यान देना है कि जो आप गैसो अप्लाई कर रहे हैं बोर्ड के चारों तरफ लगाओ, हर जगह लगा हुआ हो, क्योंकि फिर वो अजीब सा लगता है कि कहीं पे लगा है कहीं पे नहीं लगा, तो वो अलग सा दिखने लगता है। तो आपको इसकी दो लेयर लगानी है, पहले एक लेयर लगाइए, उसके बाद 10 या 15 मिनट आप उसे सूखने दीजिए, उसके बाद आपको सेकेंड लेयर लगानी है। अगर आपका बोर्ड सही है और ज़्यादा आप लगाना नहीं चाहते तब एक लेयर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि ब्रशेस जो है ज़्यादा दिख नहीं रहे हो, तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से आपको उसमें अच्छे से लगा देना है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी पार्ट छूटने ना पाए तो कॉर्नर में ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि कॉर्नर में ही आपको देखते हैं कि कॉर्नर में चीज़ें छूट जाती हैं, कहाँ पर आपने लगाया कहाँ पर नहीं लगाया, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है आपकी। कोई भी जल्दबाजी मत करिए। और कई तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे इसका जो मेन मकसद होता है इसको ये होता है कि अगर हम बोर्ड पे इसको अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद जो इसमें कैनवास पे आपने अगर पेंटिंग करी होगी तो देखा होगा कि काफ़ी रफली टाइप का क्लॉथ होता है और उसमें क्या होता है कि थोड़े से गड्ढे टाइप के होते हैं हल्के हल्के, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक्रेलिक कलर डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ब्रश जो है स्मूथली चलता नहीं है। अगर आपको ब्लेंड करना है कहीं पर कलर मिक्स करना है तो आप उसको यूज़ करते समय आपको काफ़ी टफ़ लगेगा क्योंकि उसमें ब्रश सही चल नहीं यूज़ नहीं कर पाते, सही से ब्रश चल नहीं पाता। तो अगर आप इसको कर देंगे जो गड्ढे हल्के हल्के उसमें खाँचे हैं वो सही से फिलअप हो जाएंगे, उसके बाद जब आप उसमें कलर करेंगे उसको ब्लेंड करेंगे तो आसानी से आप उसमें कलर कर पाएंगे और आसानी से उसमें ब्लेंड भी होगा। तो ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं और भी कई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर बोर्ड को दोबारा रीयूज़ करना है उसके बाद कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे मतलब अप्लाई करना है। इसमें दो कोट करने सही रहेंगे क्योंकि एक कोट में क्या होता है कि सही से आप वर्टिकल कर दीजिए, दूसरे कोट में हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, जिससे कि जो आपका बोर्ड अच्छे से तैयार हो जाए और आप जब उसमें कलर करें एक्रेलिक कलर या ऑयल कलर करें तो आपका बोर्ड जो है स्मूथली उसमें कर सकें। कुछ समय सूखने के बाद आपको उसमें दूसरा लेयर लगाना है और उसको भी अच्छे से लगाना है। अगर आपने पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगाया हुआ है तो इस हिसाब से आप कर लीजिए कि चारों तरफ लग जाए और उसमें जो रेसेस हैं ब्रशेस हैं वो दिखे ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर जब आप गैसो लगा रहे हो तो ये ऐसा ना हो कि कहीं पे ज़्यादा लगा हुआ है कहीं पे कम लगा हुआ है, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अच्छे से लगा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे अपने पेंटिंग्स में अप्लाई करना है।
तो वो आपको पहले एक ज़्यादा महंगा और ज़्यादा मत मंगाइएगा गैस स्टोव, क्योंकि पता नहीं आपको कैसा लगे। तो आप 250 ml का भी आता है, 200 ml का भी आता है, उसको आप मंगाइए और आसानी से पहले उसको अपने जो प्रिंटिंग उसमें यूज कीजिए, फिर बताइए आपको कैसा लगा। गैस स्टोव लगाने के बाद उसको सूखने के लिए रख दीजिए, कम से कम 15 या 20 मिनट में अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद आपके ये बोर्ड प्रिंटिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है इसमें गैस स्टोव के बारे में, तो उसको काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो इस पर विगनर्स हैं जो इसमें आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए, उनको बताइए कि पेंटिंग के बारे में हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पर दूंगा, वीडियो के जरिए आपको मैं पहुँचाता रहूँगा। कोई भी जानकारी आपको लेनी है, कोई भी टिप्स आपको लेनी हो तो डायरेक्ट मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। तो कोई भी हेल्प के लिए मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।